और क्या समस्या है, क्या समस्या है भाई? सबसे बड़े पानी की, पानी नहीं मिलता, बहुत गंदा पानी मिलता है, हम लोग परेशान पीछे बीमार हो रखे हैं। रात को लाइट नहीं आती, केजरीवाल जिम्मेवार है, रात को सो नहीं पाते हम, रात को 2-2 बजे उठते हैं, बच्चों को पंखा चलाते रहते हैं। आज की बात है, पूछ रहे हैं दिल्ली सरकार बोलती है, स्वाति मालीवाल बोलती है कि नहीं नहीं, अब आतिशी बोलती है भाई सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, वो तो झूठ बोलती है, पानी का मुद्दा उठा रहे नहीं पता, वो बैठी रहती है उसको नहीं मालूम है, यहाँ जनता से पूछो, हम रहते जनता में, हम भी बिहार में रहते भाई साहब, गला खराब हो रखा, क्या बोल रहे, पानी नाली बहुत खराब है, पानी नाली बहुत गंदा आता है, पानी पानी बहुत गंदा है, बगल में चाहिए रोड, रोड बनाता है, एक सप्ताह में रोड टूट जाता है। मुद्दा जाएगा पानी का मुद्दा, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा? और इतने छोटे से एरिया में पानी के जगह ये शराब का खाना यहाँ बना रखा है, क्या बोल रहे? आज अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा दिल्ली शहर जो ना सबसे पोल्यूटेड शहर है, क्योंकि कौन है जिम्मेदार इसके लिए? पहले भी तो सरकारी रही, जिम्मेदार केजरीवाल है, वो क्यों सिर्फ अंदर तो हल्का फुल्का काम कर रहा है, क्योंकि पाइप दबाता है, पैसे खाता है, एक आधा इंची मतलब 12 इंची पाइप दबा रहा अंदर, और वो सारे शिविर नहीं 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 हाथा पाई नहीं, हाथा हाथा पाई नहीं, सिर्फ बात मुद्दों को उठाइए, बोलिए बोलिए आप बोलिए। तो उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, मतलब 12 इंची पाइप दबाता है, पैसे खाता है, जितने शिविर थे सारे लीकेज होने लगे हैं और दिक्कत आएगी अब आगे। अच्छा एक बात बताइए इस बार गठबंधन हुआ है, पानी रोक दिया, हरियाणा से पानी रोक दिया, दिल्ली के जनता, एक सेकेंड, वहाँ लोग बोल रहे हैं यहाँ पानी की समस्या है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार, दिल्ली का पानी हरियाणा से रोक दिया गया है, 10 साल से रोक दिया हरियाणा से, नहर से पानी रोक दिया, कि दिल्ली के साथ के साथ इंडिया को मिल रहा है। इस सब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड अब आगे बढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, देश का चुनाव है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड भाई, बीजेपी बोल रही है इस बार पीओके का मसला उठाया जा रहा है, कई नेता बीजेपी की बोल रहे हैं 400 पार पीओके इस बार हमारा, देखिए ये पहले भी ये कहते थे 370 हटी, ये कहते थे पहले भी कश्मीर हमारा, आज भी कश्मीर हमारा, आगे भी कश्मीर हमारा रहेगा, ये को और जब जब चुनाव आते हैं इन्हें पाकिस्तान की याद आती है, जब जब चुनाव आते पीएको की याद आती है, जब जब चुनाव आते इन्हें बाहर की इन्हें वो नहीं दिखता, चीन ने हमारी जगह पे कब्जा कर रखा है, चीन पे बुलवाए, चीन पे हमारी जगह पे कब्जा कर रही है, चीन खुशे आ रही है। एक बात बताइए, लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा बीजेपी की तरफ से 370 का पीओके का, कई नेता उठा रहे मुद्दा, इसके अलावा राम मंदिर की बात कही जा रही कि जो कहा वो किया, क्या ये मुद्दा इस बार अहम है चुनाव में? बिल्कुल भी अहम नहीं है, इस बार मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, कौन है जिम्मेदार? केवल माहौल को जिससे हम एक, कौन है जिम्मेदार बेरोजगारी, कौन है जिम्मेदार? उनकी जो ये भाजपा की विचारधारा, फिलहाल भाजपा की विचारधारा विघटनकारी है, क्या बोल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी इतनी है कि जवान खुदकुशी कर रहे हैं, चालू करते हैं हम, यहाँ पे एक रोड है सांसद के अंडर का, 5 साल से उखड़ा पड़ा है भाई, वो महंगाई बेरोजगारी इन सब का मसला, और चीन की बात सर, महंगाई बेरोजगारी, पहले महंगाई पे बात करते हैं, जल्दी बोलिए टाइम, 2014 से पहले का परसेंटेज उठा के देख लीजिए और आज का परसेंटेज उठा के देख लीजिए, दोनों में कंपैरिजन में 1% गारंटीड कम है, और दूसरा वो भी जब है, जब दो कोविड काल, दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका बर्बाद। अच्छा आप युवा है, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, आप युवा है बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। बड़ी चीज क्या है कि छोटे से एरिया में 3-3 जगह शराब की दुकानें क्यों खुली हुई है, क्या कारण है? पानी आप दे नहीं पा रहे हो, शराब आप इतने सारे दे रहे हो, किस बात का है? आप इतने सारे शराब की दुकानें इस छोटे से एरिया में क्यों खोल रहे हो? ठीक है टाइम आप, और चलिए तो आपने देखा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में क्या हाल है। खैर अब 2 दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को मतदान होना है दिल्ली की 20 सातों सीटों पर, और इसे देखना होगा कि क्या यहाँ पर फैसला रिकॉर्ड होता है जनता का। इसी के साथ मेरे साथ दिल्ली डायलॉग में इतना ही, नमस्कार।